आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स का और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, फ्रीडम इश्यूज नहीं है, कोई क्लैशेस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे एक आम फैमिली होती है, आम माँ बाप होते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बचपन से एक कंट्रोल्ड वे में अपनी लाइफ जी है, उनकी हर एक्टिविटी पे उनके पेरेंट्स ने नजर रखी है, उनकी हर एक्टिविटी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनके पेरेंट्स टॉक्सिक है, उन्हें कंट्रोल करते हैं, जिनको लगता है कि उनका और उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो ये वीडियो उस पर्सन से जरूर शेयर करना, क्योंकि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स। टॉक्सिक पेरेंट्स के कुछ फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर वन, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर्स। सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर का मतलब पेरेंट्स जो भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं उनका खुद का ईगो जुड़ा होगा, उनको अपने आप से बहुत ज्यादा मतलब है कि हम जो चाहते हैं हमारा बच्चा वो करे। नंबर टू, फिजिकल एंड अब्यूजिव बिहेवियर्स। इसके बारे में मुझे कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं। नंबर थ्री, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स, किसी तरीके से अपने बच्चे को कंट्रोल करना, उसको अपने हिसाब से चलाना। नंबर फोर, मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आसानी से पता नहीं चलता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेरेंट्स कभी कभी लड़ नहीं सकते, मार पीट नहीं सकते अपने बच्चे को, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। रो के दिखाना, एज इफ कि बच्चे को ये फील हो कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, उसने अपने मम्मी या पापा का कितना दिल दुखाया है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को पता होता है कि हम इसको मार पीट नहीं सकते, लेकिन हम ये टैक्टिक यूज करके इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। पेरेंट्स भी तो इंसान ही है, उनकी भी तो एक अपनी लाइफ है, उनकी भी खुद की फ्रस्ट्रेशंस होंगी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका कहीं और का गुस्सा हम पे निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए, फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, कंट्रोल करना, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर दिखाना, मैनिपुलेट करना, अगर आपको ये बिहेवियर्स एक पैटर्न में दिखते हैं बचपन से लेके अब तक, अगर आपको ये एक पैटर्न दिखता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने माँ बाप को, उनका एक सेट पैटर्न है और वो ऐसा लगातार करते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक। क्या मेरे पेरेंट्स ने डिसिप्लिन की आड़ में मेरा फिजिकल अब्यूज किया है, मुझे बहुत मारा है और ये कहा है कि हम तुम्हें डिसिप्लिन सिखा रहे हैं? क्या मैं बचपन में अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने माता पिता के सामने निकालने से डरता था या डरती थी? क्या मेरे पेरेंट्स उनके द्वारा किए गए फिजिकल या इवन सेक्सुअल अब्यूज को छुपाने के लिए मुझे कहा करते थे? ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वापस प्रेजेंट में आओ और अब देखो कि इनमें से जो भी चीजें मैंने आपको अभी बताई, क्या ये अभी भी हैं या काफी कुछ बदल गया है या फिर सब कुछ ही बदल गया है? टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ रह के हमें हमेशा ये फील होता है कि हम कभी भी इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते, हम कभी भी वो बन नहीं सकते जो ये हमें बनाना चाहते हैं, हम कभी भी इनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, वो इच्छाएं जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, और हम खुद को कोसने लगते हैं कि शायद हम ही घटिया है, मैं ही एक घटिया बेटी हूं या मैं ही एक घटिया बेटा हूं जो कभी अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। Now let's come to the point कि टॉक्सिक पेरेंट्स से डील कैसे करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और अगर आपको कोई वीडियो सजेशन देना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर भी कमेंट करके जरूर बताना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो और वहां पे भी आप मुझे वीडियो सजेशन दे सकते हो, मुझसे किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकते हो। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। नंबर वन, सेट बाउंड्रीज। आप अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दो, उनसे जाके सीधा सीधा कह दो कि भाई ये दो तीन चीजें हैं मेरी लाइफ की जिसके डिसीजन सिर्फ मैं ही लूंगा या मैं ही लूंगी। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, करियर, ये दो चीजें आपके हाथ में रहे तो बेहतर है, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ आपकी है, आपको पता है कि आपको उस लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आपको उसको कैसे जीना है। नंबर टू इज बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि आप अपने माता पिता पे कम डिपेंडेंट हो, और इसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप उनसे हटके खुद के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ही लेनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको बहुत मैच्योर बनाएगी। पैसा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, पैसा ही तो है, यही तो हमें रोकता है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान है, उनका रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है, और वो बस एक चीज को लेके फंसे हुए हैं कि मैं किसी तरीके से पैसा कमा लूं, किसी तरीके से मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मुझे इनकी चिक चिक सुननी ना पड़े। तो कोशिश करो कि आप कुछ साइड हसल करो, ऑनलाइन कुछ कोर्सेज कर लो, ऑनलाइन कुछ वर्क फ्रॉम होम ले लो, या फिर आप ट्यूशंस पढ़ा लो, या कुछ भी ऐसा साइड काम आप शुरू कर दो जिससे आपके खर्चे पूरे होने लगे और आप अपने पेरेंट्स पे कम से कम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। नंबर थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप
अपनी पर्सनल अपने माँ बाप की और आपके बीच में किसी को बता नहीं सकते, नॉट इवन योर बॉयफ्रेंड, नॉट इवन योर गर्लफ्रेंड, नॉट इवन योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक या मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा नहीं, लोगों को रखिए जिनसे आप अपनी लाइफ की हर एक बात कह सके। जो भी कुछ आपको कहना है, जो भी आपके दिल में भरा हुआ है, वो सब आप वहां पे जाके निकाल दें। इससे आपको बेटर फील होगा और आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हमारी लाइफ में हमें सुनने के लिए कोई है नहीं। पॉइंट नंबर 4, सेट योर एक्सपेक्टेशंस। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना हो सके कम कर दो, लिमिटेड कर दो। आप ही तो हो जो उनके साथ बचपन से रहते आ रहे हो। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि यार इस बात पे ये आदमी किस लेवल तक सोच सकता है या इस बात पे ये औरत किस लेवल तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं समझेंगे ये। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को वहीं रोक दो। हमारी गलती क्या है, ये क्यों नहीं मान रहे, ये क्यों रोहित के पापा जैसे नहीं है या ये सोनाली की मम्मी जैसे क्यों नहीं है। अरे नहीं है, हर इंसान अलग होता है। अब वो नहीं है ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये वो नहीं है ये उनकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो कि नहीं उनको तो ऐसा करना ही चाहिए, नहीं करेंगे वो। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को गिरा लो। पॉइंट नंबर 5, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू यूज कन्वर्सेशन डाइवर्जन टैक्टिक्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने मम्मी पापा से किसी बारे में बात कर रहे होते हैं और बात घुमा फिरा के हम पे आ जाती है, तो वो शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, हम बहस करने लग जाते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। आप उस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट करते हो, कन्वर्सेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। अरे पापा वो बीजेपी के जो इलेक्शन हो रहे थे पिछले साल, उसके अंदर वो मिनिस्टर था, उसके ऊपर बहुत नाम लगाए थे लोगों ने, उसका क्या हुआ। कन्वर्सेशन जिस रास्ते पे जा रही थी वहां से उसको एक दूसरा मोड़ मिल जाएगा और जो आपकी बात हो रही थी वो गायब हो जाएगी। क्योंकि जब आप उनसे बहस करते हो तो उनका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि ये मेरी बात मान कैसे नहीं रही, मैं इसका बाप हूं। समझ रहे हो ना। इस वीडियो से मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को बुरा लगा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो ताकि उनकी मदद हो सके, उनको एक तरीका मिल सके, एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि वो कैसे अपने पेरेंट्स से डील करें। अगर आप एक टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो मैं आपको सॉरी नहीं बोलने वाला, टॉक्सिक हो तो हो, मैं क्या करूं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको ये दो वीडियो जरूर अच्छी लगेंगी, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।